हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम गाइस 111 टैरो चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ों को अपनी लाइफ में ला रहे हैं। लव यू बहुत सारा आप सभी लोगों को। अगर आप लोग आज नए आए चैनल पर और अगर आप लोगों से वीडियो रेजोनेट करे तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप दोबारा से आए हैं चैनल के ऊपर तो बहुत बहुत सारा प्यार। चलिए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज हम चेक इन करने वाले हैं हिडन थॉट्स, लाइक हमारे जो पार्टनर हैं उनके हिडन थॉट्स क्या हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। हमारे पास टू पाइल्स हैं यहाँ पे। पाइल नंबर वन, ये है ग्रीन कलर का स्टोन, ठीक है। पाइल नंबर टू, ये है पिंक कलर का स्टोन, ठीक है जी। तो आप लोग मन में गायत्री मंत्र का जाप करें, कोई मंत्रा चैंटिंग करें, कोई छोटी मोटी प्रेयर करें। आप चाहे जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप अपने लिए छोटी सी क्यूट सी प्रेयर जरूर करा करें। अपने पर्सन के बारे में जरूर सोचें और रीडिंग को देखें। टाइम स्टैम्प्स पे जाएं, वहां पे आपको आपकी रीडिंग का टाइमिंग मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर वन से। तो मैं पाइल नंबर टू को साइड में रख देती हूँ। हमें स्पेस मिल सके और कैमरा भी थोड़ा ऐसे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से दिख सके। चलिए तो शुरू करते हैं पाइल नंबर टू। जिन लोगों ने चूज करा है ये वाला, यानी कि ग्रीन कलर अगर आप लोगों ने चूज करा है, सो दिस इज योर रीडिंग गाइस, ओके। तो इसको मैं यहां रख देती हूँ साइड में, ठीक है। पाइल नंबर वन, ये मैसेजेस हैं, ये हम बाद में चेक इन करेंगे, तो इनको मैं यहाँ साइड में कर देती हूँ। और चलिए, सो सेक्सुअल टैरो डेक से भी है हमारे पास कार्ड्स, टैरो में से भी हैं, ओशो जिन भी मैंने लिया है, इंडियन सेक्रेट भी लिया है मैंने, एंड ट्रू लव ओरिकल्स भी लिए हैं। तो ओरिकल्स भी हैं, कार्ड्स भी है, बहुत कुछ है आज और बहुत मजा भी आने वाला है। देखिए तो सही कि आखिरकार उनकी हिडन फीलिंग्स हैं क्या आपको लेकर के। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास है पेज ऑफ पेनिकल्स, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, नॉट बैड, एंड जजमेंट, ओके। पाइल नंबर वन, ये मैं स्टोन यहाँ रख रही हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग हैं टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, या फिर हैं आप लोग कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, स्कॉर्पियंस, एंड मुझे यहाँ पे टॉरस बहुत ज्यादा फीलिंग आ रही है, ठीक है। देन लेट्स चेक फ्रॉम ओशो। हमारे पास है न्यू विजन, देन है हमारे पास चेंज। आई थिंक मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आई या नहीं, ठीक है। फिर है हमारे पास ट्रस्ट, एंड देन है हमारे पास सेलिब्रेशन, ठीक है जी, ठीक है भाई। कमाल की फीलिंग्स रख के बैठे हैं आपके लिए, काफी रोमांटिक और काफी खूबसूरत, ठीक है। और फिर है हमारे पास यहाँ पे, अरे वाह, देखिए गाइस, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून टू टाइम्स है हमारे पास, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ओके, इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। एंड हमारे पास क्या क्या है, इंटीमेसी, इंटीमेसी का कार्ड है हमारे पास, एंड वी हैव द कनेक्शन कार्ड ऑल्सो। और यहाँ पे हमारे पास है एट ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास एस ऑफ पेनिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। माय गुडनेस, तीन तीन बार है आप लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून गाइस, क्या कर रहे हो आप लोग। सी आपके पार्टनर आपको बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। चाहे पाइल नंबर वन आप लोगों की जिंदगी में कोई भी परेशानी चल रही हो, लाइक मैं आपको बोल रही हूँ कोई भी कैसी भी परेशानी आप लोगों की जिंदगी में चल रही है, ये बंदा आपसे ना तहे दिल वाला प्यार करता है। लाइक ऐसे कहते हैं ना कि अंदर तक का जो प्यार है वो सिर्फ और सिर्फ लस्ट से ही रिलेटेड नहीं है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि सिर्फ एक जिस्मानी ही प्यार नहीं है, रूहानी प्यार बहुत ज्यादा है। ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि ये इंसान आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं, इनकी हिडन फीलिंग अभी चल रही है आपको कमिटमेंट देना, ठीक है। इनकी हिडन फीलिंग चल रही है आपके साथ शादी करना। इनकी हिडन फीलिंग चल रही है कि ये आपको बताएं कि इनकी जिंदगी में कितना कुछ बवाल चला था और अब फाइनली वो सारा बवाल खत्म करके ये आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। इनके अंदर से ये इच्छा चल रही है बहुत ज्यादा, ठीक है।
यहाँ पे हमारे पास ये कार्ड है कमिटमेंट का, पेज ऑफ पेनिकल्स का। ये जो पर्सन है आपके, इनकी हिडन फीलिंग्स हैं आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना, पूरी की पूरी जिंदगी बिताना। ये इंसान आपके साथ अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग बिताना चाहते हैं। ये आपको किसी तरीके का ऐसा ही कमिटमेंट नहीं देना चाहते कि हाँ ठीक है, शॉर्ट टर्म वाली चीजें ये नहीं चाहते हैं आपके साथ, ये लॉन्ग टर्म चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसी फीलिंग है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये सुप्रीम पावर ने जोड़ा है, यानी कि खुदा ने जोड़ा है, एंजल्स ने जोड़ा है, फरिश्तों ने जोड़ा है, एंड ये रिश्ता कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, इनको अंदर से इनकी हिडन फीलिंग जो ये आपसे कभी नहीं बताते हैं वो यही है। चाहे आप लोगों के रिश्ते में कोई भी परेशानी है, कोई भी मसला है, कोई भी नेगेटिविटी है, ये इंसान बदलाव चाहता है, ये पर्सन बदलाव चाहता है, और ये बदलाव क्रिएट करके ही मानेगा। आप लोग इस चीज को 100% ले सकते हैं, मैं सही बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, एल्स दिस इज जनरल रीडिंग। अगर किसी के पर्सनल रीडिंग के आते ना कार्ड्स तो बवाल ही हो जाना था। फिर भी मैं बोलूंगी कि बहुत लोगों से मैच करने वाली, रेजोनेट करने वाली आज की रीडिंग, तो आप लोग बस पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। अब बस वक्त आ चुका है जब ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अनडिसाइडेड नेचर रहा है इनका, एक समय में बहुत अनडिसाइडेड नेचर रहा है। इनको समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा परेशान रहे हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान रहे हैं। अभी इनकी हाल फिलहाल हिडन जो फीलिंग है, जो इन्होंने आपको कभी नहीं बताई है, वो चल रही है कि यार मैं जाऊं उससे बात करूं, उसको बताऊं मैं उससे कितना प्यार करता हूं और मैं उसकी जिंदगी में वापस आना चाहता हूं। या फिर उसकी जिंदगी में, अगर ये आपकी जिंदगी में ऑलरेडी है तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं। इनको ये चीज अंदर ही अंदर है कि मैं एक सही समय आने पर, लाइक एक परफेक्ट टाइमिंग पर इसको ये चीज बताऊंगा या बताऊंगी कि मैं शादी का कमिटमेंट या फिर शादी का प्रपोजल। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको ना अचानक से, लाइक अचानक से आपको कॉल करें, बुलाएं और बोले कि चलो अपन शादी कर लेते हैं। ठीक है, काफी खूबसूरत सा मेरे को यहाँ पे समय लग रहा है। पाइल नंबर वन, जिन लोगों ने ग्रीन कलर चूज करा है ना, आप लोगों का मैं सही बता रही हूँ, मतलब कमाल ही हो गई है। चीजें बहुत बहुत अच्छे से अनसॉल्व होने वाली हैं, एंड सॉरी सॉल्व होने वाली हैं। जो इतनी नेगेटिव हो चुकी थी, जो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें सॉर्टेड होने वाली हैं। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो है कि आपके पर्सन के मन में है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसने हमेशा उनका साथ दिया है। ठीक है, चाहे जैसी भी परिस्थिति रही है, जैसी भी परेशानी रही है, इस बंदी ने या इस बंदे ने हमेशा मेरा साथ दिया है, और अब समय है कि मैं इसका साथ दूं। ठीक है, मैं ट्रस्ट रखूं, मैं पॉजिटिव रहूं, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करूं, एक बड़ा बदलाव लेके आऊं, अपने करियर को संवारूं। मतलब ये आपके लिए ना जीना चाहते हैं, मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ये इंसान आपके लिए जीना चाहता है, वो चीजें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है। अभी नया नया इनका एक विजन क्रिएट हुआ है, न्यू विजन का कार्ड है। नया नया ये आपके बारे में पॉजिटिव सोचना इन्होंने शुरू किया है। हो सकता है आप लोग किसी तरीके का कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज कर रहे हो, कुछ भी आप लोग ऐसा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपको ये बोले या वो करें, या फिर हो सकता है बहुत लोग स्क्रिप्टिंग करते हुए मेरे को नजर आ रहे हैं, और स्क्रिप्टिंग के ही ये रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं गाइज। ठीक है, तो कुछ इंटीमेसी के भी थॉट्स हैं यहाँ पे हिडन आपके पर्सन की तरफ से। ये पर्सन आपको ना कहीं पे लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, चेंजेस चाहते हैं, कहीं ऐसी जगह घूमना फिरना चाहते हैं जहां पर कोई भी ना हो। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग कनेक्शन के कार्ड में भी यहाँ पे कोई भी नहीं है, और कितना खूबसूरत सा समा है यहाँ पे, है ना? तो वो चीजें भी मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा फील हो रही हैं। बहरहाल, अगर पूरा का पूरा मैं आपको 100 बातों की एक बात बताऊं, तो ये बंदा अब बहुत बदल चुका है। हो सकता है ये वही इंसान है जिसने आपको बहुत दुख दिया। एक समय था जब इन्होंने आपको इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है। आपको पूरा ट्रस्ट था इस रिश्ते के ऊपर कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सब कुछ सही होगा, एंड फाइनली वो चीज हो गई है। ये इंसान आपके लिए हिडन फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव रख रहे हैं, बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, शादी करना चाहते हैं। ये टोटली बदल चुके हैं, ये पहले वाले इंसान नहीं रहे हैं। आपके प्यार ने, आपके विश्वास ने, आपके ट्रस्ट ने, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने ये सेलिब्रेशन क्रिएट किया है। अब ये अनडिसाइडेड नहीं रहते हैं, ये आपको समझते हैं जस्ट लाइक अ क्वीन। ठीक है, जस्ट लाइक अ प्रिंसेस, जस्ट लाइक अ क्वीन। ये आपको ऐसे समझते हैं जैसे कि आप ही हैं जो है इनकी जिंदगी में, और कोई भी नहीं आ सकता, ना कोई आ सकता है और ना कभी कोई आएगा। दे आर फीलिंग लाइक दैट।
बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्टेबल फीलिंग आ रही है। हो सकता है पहले इन्होंने आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी और रिलेशनशिप पहले से ही मेंटेन है। ये उन चीजों के बारे में भी सोच करके बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं इन दिनों। ये आपको दोबारा से पकड़ना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं, या आपके साथ दोबारा से वो सारे लम्हा बिताने चाहते हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। ठीक है, सो दिस पर्सन वॉन्ट्स यू ओनली, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि ये रिश्ता एवे का ही नहीं है, दिस इज रियली वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। बहुत ही स्पेशल है ये रिश्ता, इसके अंदर बहुत कुछ अच्छा है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये रिलेशन कुछ नया लेकर आ रहा है आप लोगों की जिंदगी में। अगर मैं यहाँ पे टाइमिंग की बात बताऊँ तो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नेक्स्ट 2 डेज भी लग रहे हैं, नेक्स्ट 5 डेज भी लग रहे हैं। मतलब डेज में मुझे चीजें लग रही हैं यहाँ पे, लाइक नेक्स्ट 2 डेज, 5 डेज, 8 डेज। कुछ लोगों के लिए मुझे मैक्स टू मैक्स 20 एंड 40 डेज, हाँ 20 या 40 डेज, इससे ज्यादा नहीं। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाला है। आई एम सो हैप्पी गाइस। चलिए देखते हैं इधर से क्या है हिडन फीलिंग्स में इनके मन में आपके लिए, देखते हैं क्या क्या है। सो वी हैव योर सोल इज माइंड, तो इनको ऐसी फीलिंग आती है कि आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है वो इनकी है। पॉजिटिव, मैंने ये चीज आपको बोली थी स्टार्टिंग में कि इनको ऐसा लगता है कि ये जिस्मानी ही नहीं रूहानी प्यार है। योर आईज आर यम, तो ये आपकी आंखों को बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है इन्होंने आपकी आंखों की तारीफ भी की हो काफी बार कि आपकी आंखें बड़ी गहरी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसी हैं जैसे कि एक उनके अंदर अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा। आई लव टू किस यू, तो मैंने बोला ही था आप लोगों को कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू किस यू। देन हमारे पास क्या है, देन वट वी हैव आई मिस यू लाइंग हेयर। तो ये पर्सन, मैंने बोला ना आप लोगों का पहले भी कभी फिजिकल रिलेशन इंटीमेसी मेंटेन हुई है तो उन दिनों को बहुत याद कर रहे हैं। आई डोंट हैव डर्टी माइंड, तो मेरा दिमाग गंदा नहीं है। आई हैव इमेजिनेशन फॉर श्योर, तो इनके अंदर इमेजिनेशन चल रही है उन सब चीज़ों को लेकर के। योर बॉडी, तो ये आपकी बॉडी को भी बहुत तरस रहे हैं। दे आर मिसिंग योर सोल एंड बॉडी टू। लव टू सी यू नेक्ड, तो ये आपको नेक्ड देखना चाहते हैं। ठीक है, इनकी हिडन फीलिंग ये भी चल रही है, पॉजिटिव सेक्सुअल हिडन फीलिंग्स। देन लव मी हार्ड, सो दिस पर्सन वॉन्ट कि आप पहल करें, आप पैशनेटली इन्हें प्यार करने की कोशिश करें, पिक मी अप। फिर है हमारे पास आई ऑलवेज वॉन्ट मोर फ्रॉम यू, ये बहुत ज्यादा ही चाहते हैं, हमेशा आपसे बहुत ज्यादा की उम्मीद करते हैं। आई ड्रीम इन ड्रीम्स आई सॉ यू, तो ये सपनों में आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं। नाउ वी हैव योर सोल इज माइन, सोल की बहुत बातें हो रही हैं, बहुत रूहानी प्यार है आप लोगों का। देन वी हैव प्लीज वेक मी अप, यहाँ पे पिक मी अप की भी बात हुई थी, तो ये चाहते हैं कि आप इनको रोज सुबह उठाएं। बहुत ही खूबसूरत थॉट। योर ड्रीम्स, तो हो सकता है आप इनको सपने में दिख रहे हो आजकल। एंड देन वी हैव आई वॉन्ट टू विन योर सोल, सोल की बहुत बातें हुई हैं पाइल नंबर वन। तो आप लोगों का रिश्ता मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है सोलमेट रिलेशनशिप में आप लोग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। और यहाँ पे भी देखो कनेक्शन का कार्ड था, हो सकता है सोलमेट रिलेशनशिप है ये आप लोगों का। तो ये थी उनकी कुछ हिडन फीलिंग्स। आप लोग तैयार हो जाइए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तैयार होके जाने के लिए डेट पर। एंड कुछ भी होता है कमेंट डाउन बिलो, अपना अपना ध्यान रखें। लव यू अ लॉट। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। पाइल नंबर टू, तो जिन लोगों ने ये पिंक कलर का स्टोन चूज किया था ना, सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू गाइस। इस स्टोन को मैं यहां रख देती हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, तो उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स टुडे, बहुत सारे कार्ड्स मैंने यहाँ पे ले रखे हैं आप लोगों के लिए। चेक करते हैं पहले टैरो में से, और ये मैसेजेस हैं हम लोग बाद में देखेंगे रीडिंग के एंड में। सो वी हैव एट ऑफ वॉन्स, फोर ऑफ वॉन्स नॉट बैड, सिक्स ऑफ वॉन्स, फायर एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। एरीज लियो सेजिटेरियस एंड एस ऑफ कप्स, तो हो सकता है आप लोगों का कपल हो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एंड एरीज लियो सेजिटेरियस, यानी फायर और वाटर का, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोग इन जोडियक से बिलोंग करते हो। देन हमारे पास है स्ट्रेंथ, लियो हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। बट मैं फिर भी बोलूंगी जोडियक्स से ज्यादा ना जाएं आप लोग, जाएं कि आपसे रीडिंग कितना रेजोनेट हो पा रही है, ठीक है।
देन हमारे पास है ओ माय गुडनेस कमिटमेंट, ओके. देन हमारे पास क्या है, देन वी हैव लव, ओके. सो बहुत प्योर थिंकिंग है इनकी, ज्यादा मेरे को लस्ट वाली फीलिंग नहीं दिख रही है यहाँ पे, मुझे बहुत प्योर फीलिंग नजर आ रही है. ये कार्ड हम बाद में चेक इन करेंगे, ठीक है. फिर हमारे पास सक्सेस, गोइंग विद द फ्लो, द लवर्स एंड बियॉन्ड डिल्यूजन. ओके गाइस, तो आप लोग चाहे जिस भी परेशानी से गुजर रहे हैं, चाहे आपका भी रिलेशन सही चल रहा है नहीं चल रहा है, जो भी कंडीशन चल रही है आप लोगों की जिंदगी में, ये सुधरने वाली है. बिकॉज दिस पर्सन इज थिंकिंग अलॉट अबाउट यू, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, लाइक बहुत बहुत ज्यादा सोच रहे हैं. ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं. पाइल नंबर वन के साथ भी यही सिनेरियो आया था कि उनके पार्टनर उनको कमिटमेंट बहुत जल्दी देना चाहते हैं, ठीक है. और वो ही चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद दिस फोर ऑफ वॉन्ट्स कार्ड, कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मैरी यू. एक नॉर्मल सा कोई कमिटमेंट या फिर कोई शॉर्ट टर्म कमिटमेंट नहीं, बहुत अच्छा खासा कमिटमेंट. ये आपके साथ अच्छा खासा एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है. ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं. मोर ओवर एक कहते ना, एक इमोशनल वाला जो टॉक होता है पूरा का पूरा, हाय हेलो और कैसे हो वो वाली बात नहीं, एक अच्छी वाली बात जहां पर आप अपने फ्यूचर को डिस्कस कर रहे हो, आपके अपने पास्ट के लिए सॉरी बोल रहे हो, जो भी सिचुएशन रही है उन सब चीजों के लिए माफी मांग रहे हो और आगे बढ़ने की बातें कर रहे हो, एक कमिटमेंट दे रहे हो आप, एक प्यार भरा जैसे हाथ फेरा हो किसी ने, तो वो वाले टॉक ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं. इनकी हिडन फीलिंग है ये, जो आपको कभी भी शेयर नहीं करते हैं. This person also want to get victory over your love. Like ये चाहते हैं कि, ये कार्ड ना मेरे को हमेशा ऐसी फीलिंग देता है जैसे कि कोई दूल्हा ना बैठ करके बारात में अपनी दुल्हन को लेने के लिए जा रहा हो, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है. पाइल नंबर टू ज्यादातर लड़कियों ने चूज किया है. तो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम फॉर मैरी यू, लाइक शादी के यहाँ पे दो कार्ड आए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत शादी के दो कार्ड, ठीक है, जो कहीं ना कहीं यही शो करने की कोशिश करें कि ये पर्सन आपके साथ हमेशा हमेशा रहना चाहते हैं, हमेशा, क्योंकि इनका जो प्यार है ना आपके लिए वो कम नहीं है, बहुत ज्यादा, लाइक ओवरफ्लोइंग लव है, जहां पर बहुत ही पॉजिटिविटी है, लाइक बियॉन्ड डिल्यूजन का कार्ड है हमारे पास. हो सकता है पहले ये पर्सन नहीं समझता हो लेकिन अभी समझता है. फॉर श्योर ये टीएफ जर्नी है आप लोगों की. पाइल नंबर टू, आप लोग सोलमेट कम, मुझे टीएफ जर्नी वाले लोग ज्यादा लग रहे हैं. पाइल नंबर टू उन्हीं लोगों ने चूज करा है जिन लोगों की ट्विन फ्लेम एनर्जीज है, या फिर आप लोग हो सकते हैं हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन के अंदर है. मतलब मैं यहाँ पे एक ठीक ठीक वाला कनेक्शन नहीं देख रही हूँ, एक बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशनल कनेक्शन फील हो रहा है, जहां पर आप इस पर्सन के साथ चाहे कम्युनिकेशन में है चाहे नहीं है, चाहे आप लेट गो कर रहे हैं चीजों को, चाहे आप नेगेटिव हुआ करते थे बट अब सिर्फ और सिर्फ आप पॉजिटिव हैं. चीजें बहुत अच्छे से अनफोल्ड होने वाली है आप लोगों की जिंदगी में, क्योंकि ये जो लव है ना, ये लव है फॉर अ लाइफ टाइम. ये लव ऐसा नहीं है कि आज हुआ और कल खत्म हो गया और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो वाली चीजें नहीं है. देखो यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, सो दिस पर्सन वॉन्ट अ सक्सेस. एक कहते ना, एक अंदर से एक इच्छा होती है पर्सन की, तो इस बंदे की ये इच्छा है कि आपके साथ इस रिश्ते को बहुत आगे बढ़ाया जाए, पॉजिटिवली बढ़ाया जाए. और क्योंकि इनको अब एहसास हो चुका है कि ये प्यार कोई आम वाला नहीं है, मतलब एक नॉर्मल सा प्यार नहीं है, इट्स समथिंग बियॉन्ड इल्यूजन, यानी कि समझ से परे, सोच विचार से परे है. आप लोग फॉर श्योर टी एफ जर्नी के अंदर हैं. और ये देखो दोबारा से लवर्स का कार्ड है हमारे पास. सो गाइज, इस पर्सन की अभी हिडन फीलिंग्स चल रही है आपके साथ शादी करना, आपको कमिटमेंट देना. ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं, ऑल ओवर अपनी पूरी लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं. ये चाहते हैं कि आपके साथ ना इनकी लाइफ जो है आगे बढ़े, जहां पर एक प्यारा सा छोटा सा घर हो और लोग हों, आप इनके पेरेंट्स की सेवा करें या फिर ये आपके पेरेंट्स की सेवा करें, ठीक है. इट्स डिपेंड ऑन कि देख कौन रहा है. तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपनी फैमिली, आपकी फैमिली, आगे का फ्यूचर, वो सारी चीजें इनके हिडन फीलिंग्स में है जो ये आपको कभी शेयर नहीं कर पाते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल आप लोगों की बातें नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से भी थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है आपके मन में, लेकिन आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं और वही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आगे बढ़ेगी, ठीक है, एक अच्छा बैलेंस लेकर आएगी. और आप लोगों को कमिटमेंट तो इस बंदे से जरूर मिलेगा, क्योंकि जो भी परेशानियां, जो भी नेगेटिविटी चल रही थी वो खत्म होने वाली है. हो सकता है आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो, ठीक है, फॉर गेटिंग सक्सेस, ओके.
तो यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा अभी ड्रामा सस्पेंस बाकी है। नेक्स्ट एक्शन मुझे इस पर्सन की तरफ से अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो हिडन फीलिंग उनके अंदर ही अंदर चल रही है ना, जिस चीज के बारे में उन्हें कहीं ना कहीं पता है, ये सारी वो चीजें हैं जो वो आपके साथ चाहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये वो सारी चीजें हैं जो ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं, और जैसे जैसे ये जो चाहने वाली चीजें बढ़ती चली जाएंगी ना, क्योंकि एक मोमेंट ऐसा आ जाता है जब आपका करियर सेटल हो चुका है, आपके पेरेंट्स आपसे खुश हैं, आपकी लाइफ सेटल हो चुकी है, देन क्या पर्सन क्या चाहता है? पर्सन एक साथ चाहता है किसी का, राइट? तो वो चीजें मेरे को यहाँ पे आती हुई नजर आ रही हैं कि इस पर्सन के मन में अभी क्रेविंग्स और भरने वाली हैं, एंड देन डेफिनेटली दे विल अप्रोच यू। चलिए कुछ कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे सेक्सुअल टैरो डेक से। तो हमारे पास है यहाँ पे 8 ऑफ पेनिकल्स, फिर हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेनिकल्स। सो इस कार्ड से ना, विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, एक तरीके की इनसिक्योरिटी भी मुझे झलक रही है कि बंदे को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़ के चले जाओ या फिर आप किसी और पर्सन के साथ कमिटेड हो जाओ, क्योंकि हो सकता है फॉर लेस देन 50 to 30% ऑफ पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर टू 50 to 20 30 पीपल ऐसे हैं, परसेंट पीपल ऐसे हैं जो कि अभी कम्युनिकेशन में नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इनके आपके पार्टनर हिडन, उनका थॉट एक इनसिक्योरिटी को लेकर के भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको छोड़ के चले जाओ या फिर आप आओ ही नहीं उनकी लाइफ में और ये बेचारे देखते ही रह जाए उन सारी चीजों को। ठीक है, ये भी सोच रहे हैं। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू लिव ऑल द लॉन्ग लाइफ विद यू, आपके साथ जीना चाहते हैं। ठीक है, आपको किस करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। टोटली 100 बातों की एक बात, ये इंसान चाहता है आपके साथ अब आगे बढ़ना, ये रुकना नहीं चाहते अपनी जिंदगी में। ठीक है, चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं फ्रॉम योर पार्टनर साइड, देखते हैं और क्या चाह रहे हैं ये। सो सी, दिस इज द ब्यूटिफुल मैसेज जो मैंने आपको बोला था, दैट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू किस यू। फिर है हमारे पास योर बॉडी इज माइंड, तो दिस पर्सन थिंक दैट योर बॉडी इज देयर ओनली। फिर टेक मी टू योर आर्म्स। फिर है हमारे पास किसिंग यू इज लव। फिर है हमारे पास योर नेक, सो दिस पर्सन लव्स योर नेक एंड प्लीज कम ओवर। सो दिस पर्सन वॉन्ट टू यू नो वॉन्ट टू हैव फन विथ यू, लेट्स हैव फन का कार्ड है हमारे पास। फिर है हमारे पास आई प्रोमिस टू ऑलवेज बी योर साइड, तो ये आपको प्रोमिस करें कि आप हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपके साथ जियेंगे लाइफ में। फिर है हमारे पास आई हैव लव मेकिंग, आई हैव लव मेकिंग विद यू अलॉट इन माई हेड, तो ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं लाइक फिजिकल टर्म्स को लेकर के। और ना किस योर नेक, यहाँ पे नेक की 2 बार बातें हुई, तो हो सकता है दिस पर्सन रियली लव योर नेक। ओके, देन हमारे पास है आई लव टू मेक लव, और हमारे पास है किसेस की बहुत बातें हो रही हैं, नेक की बहुत बातें हो रही हैं, एंड आई लव टू सी यू, तो ये इंसान आपको देखना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी पूरी लाइफ को बिताना चाहते हैं, क्योंकि इनको अब समझ आ चुका है कि ये रिलेशनशिप नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, इट इज बियॉन्ड इल्यूजन, सी बियॉन्ड द इल्यूजन्स। सो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, खुद से बहुत सारा प्यार कीजिएगा, और आप लोग किसी भी तरीके के पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखें, बाय।